प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो साइंस की वर्कशीट नंबर 3 को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जा रहा है। पहली दो वीडियो आपको सेंड कर दी गई थी, दो वर्कशीट की। आज जो तीसरी वर्कशीट है वो कुछ जो आम मुरक्कबात होते हैं, यानी कि सम कॉमन कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूले, तो उसको सिर्फ यहाँ पर आपके सामने जो 3 टेबल बनी हुई हैं, इन 3 टेबल को आपको देखना है, पढ़ना है। कॉमन नेम क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं उनके कॉमन नेम, और वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। हम सब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं जो कॉमन नेम है। इसके अलावा जो केमिकल नेम है वो हम आज जान जाएंगे उनके बारे में, और उनका केमिकल फार्मूला भी जान जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो लेफ़्ट हैंड पे जो आपकी एक टेबल बनी हुई है उसमें देखेंगे कि कॉमन नाम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके 16 यहाँ पर कंपाउंड्स दे रखे हैं। उनके कॉमन नाम दिए हैं, उनके केमिकल नेम दिए हैं, उनका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। तो पहले नंबर पर आपको देखा, आप देखेंगे कि ड्राई आइस दिया गया है, ड्राई आइस दिया गया है। और ये ड्राई आइस जो होता है इसको खुश्क बर्फ़ भी कहा जाता है। इसका केमिकल जो नाम होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो खुश्क बर्फ होती है उसका केमिकल नेम जो होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो CO2 ही होता है, यानी होती है CO2 ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया जाता है कि ये अपने सॉलिड फॉर्म में आने लगती है, तो इसलिए इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला CO2 होता है। नंबर दो पे आपका देखेंगे कि बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, यानी बेकिंग सोडा जो हमारे यहाँ बिस्किट इंडस्ट्री में वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके बेकरी इंडस्ट्री है, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका केमिकल नाम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। ऐसे ही आपका बेकिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट माइल्ड एडिबल एसिड, इसमें मिला लिया जाता है जिससे ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो केमिकल नेम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, CaOCl2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन नेम, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम दिए हैं और केमिकल नेम भी दिए हैं, केमिकल फार्मूले भी दिए हैं, तो आप इन सबको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, उर्दू में नोट कर लेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक लिंक भेज रखा है जहाँ से आप उर्दू में सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, एडुडेल की साइट से। एडुडेल की साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें आपको राइट हैंड पर एकेडमिक्स एंड एग्ज़ामिनेशन करके आएगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मटेरियल के नाम से भी एक बॉक्स मिलेगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे राइट हैंड पर जो टेबल बनी हुई है जिसमें कि केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये भी आपके कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड है, तो उसका केमिकल फार्मूला होता है आपका NH4Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका फार्मूला आप सब जानते हैं, केमिकल फार्मूला HCl होता है, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। सल्फ्यूरिक एसिड भी आप जानते हैं उसका, कि H2SO4 होता है उसका केमिकल फार्मूला। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड है, उसका फार्मूला H2CO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। लेड ऑक्साइड का, लेड का सिंबल जो होता है वो PB होता है, तो लेड ऑक्साइड है वो PbO हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ केमिकल नेम और उनके फार्मूले भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन नेम और केमिकल फार्मूला और रेशियो दिया हुआ है, यानी कि दो कंपाउंड को अलग अलग, उनको जब मिलाया जाता है तो उनसे भी कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि एक्वा रेजिया जो होता है वो आपका, उसका केमिकल फार्मूला जो है वो आप HNO3 में जब HCl मिला देते हैं तो HNO3 प्लस HCl,
आपको पता है दोनों एसिड हैं, इन दोनों को मिलाने से एक स्ट्रॉन्ग एसिड तैयार होता है जो कि आपका गोल्ड को भी पिघला देता है, इतना हार्ड एसिड बन जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। इसमें क्या होता है, HNO3 का वन मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल, यानी इन 1:3 के रेशियो में ये एक्वारेजिया बनता है। इसके अलावा विनेगर है आपका, जो सिरका खाने में यूज़ करते हैं, आपके मैगी वगैरह इन सब चीज़ों में डालते हैं वो सिरका, तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, और इसमें जो रेशियो होता है वो 4 से लेकर 7% एसिटिक एसिड होता है और 93 से 96% आपका वाटर होता है, यानी पानी मिला दिया जाए, अगर एसिटिक एसिड में पानी मिला दिया जाए तो वो आपका विनेगर बन जाएगा। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी तीनों टेबल में मिल जाएंगे, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले वाले में है कि आपको इनके केमिकल फार्मूला लिखने हैं, जो कंपाउंड्स हैं जैसे क्विक लाइम है, क्विक लाइम का आपको इन्हीं टेबल में मिल जाएगा कि उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। आप उसका सिर्फ केमिकल फार्मूला लिखेंगे, जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही लिखेंगे। वैसे ही लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन भी आपको टेबल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसका केमिकल फार्मूला लिखना है। फिर स्लेग्ड लाइम है, बुझा हुआ चूना, उसका भी फार्मूला लिखा हुआ है, आप उसका फार्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर, नेम द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बनाने में कौन कौन से कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। आपने अभी नीचे की टेबल में देखा था कि एक्वारेजिया में क्या क्या मिलाते हैं, वही दोनों कंपाउंड्स आप उनके नाम और फार्मूला लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला हमने आपको फोटोसिंथेसिस के टाइम पर बताया था, C6H12O6 होता है। अब आपको ये देखना है कि ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं कौन कौन से। आपको मैंने पूरा बता भी दिया है, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये बताइए कि इसमें कौन कौन से 3 अनासर मौजूद हैं, यानी कि C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसमें कौन कौन से अनासर मौजूद हैं, और आपको उसका केमिकल फार्मूला भी लिखना है ग्लूकोज का, जो कि मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, ये नीचे कुछ कॉमन कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, आपको इनके फार्मूले लिखने हैं, बस केमिकल फार्मूला। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखना है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला लिखना है और बेंजीन का फार्मूला लिखना है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या वर्कशीट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, अगर ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। शुक्रिया।